कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन जो बनाते हैं ना, ये स्वच्छ के नाम पे धब्बा है। गंदगी मिशन का यह पहला जीता जागता नमूना अर्रा पंचायत सरकार भवन की जीता जागता है। मुखिया कार्यालय, लेकिन मुखिया कार्यालय के नाम पे तला है। न्यूज़ से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम आए हैं पंचायत सरकार भवन अर्रा पंचायत में, जो प्रखंड हाजीपुर बैताली में। आप हमारे कैमरा के माध्यम से देखना ना भूले, आप देख सकते हैं जब इस पंचायत सरकार भवन अर्रा पंचायत में है, ये जो बनता है 1,30,00,000 रुपए की लागत से, अप्रोक्स 1,30,00,000 रुपए की लागत से बनता है पंचायत भवन। और ये पंचायत भवन सरकार की स्थिति और जंजर समस्याओं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेके अधिकारियों को पोल खोलने की कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं जब इससे हम आए तो भवन बनी हुई है, बहुत बड़ी रकम से भवन बनती है, लेकिन आप देख सकते हैं इस दशाओं को, इस अर्रा के पंचायत सरकार जो नया भवन है उसको दिखाया जाएगा आपको कैमरा के माध्यम से। आप देखिए ये टूटा हुआ है, इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इसकी दुर्दशा को और दिखाएंगे। जब हम इस कार्यालय में आते हैं, जब घूमते हैं, तो पता चलता है कि इसको, इस दुर्दशाओं को कैसे हम व्याख्या करें, लोगों की हर पंचायत में कैसे हम अलग जगाएं। जब अलग जगाएंगे नहीं, तब तक पंचायत के जनता जागेंगे नहीं, पंचायत के गरीब जागेंगे नहीं। आप देख सकते हैं पंचायत भवन की दुर्दशा, गेट लगा हुआ है, मकड़े की जाल से बिखरी हुई है पंचायत भवन का दुर्दहाल है, दुर्दशा है, बदहाली है। टूटा हुआ स्ट्रक्चर है, ऊपर की ओर दिखाइएगा तो मकड़े की जाल से घेरा हुआ पंचायत भवन है। इसके अंदर पीछे जो स्ट्रक्चर है बंद पड़ा हुआ है, पंचायत सरकार भवन में लोग कैसे 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 बैठेंगे, आपको हम दिखाना चाहेंगे इधर। और आप हमारे कैमरा के माध्यम से देखना ना भूले कैसे हम आते हैं और कैसे एंट्री करते हैं और कैसे जाते हैं। नियम का उल्लंघन है, लेकिन दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब दिखाएंगे नहीं तब आप देखिएगा नहीं, तब तक आप जागिएगा कि नहीं, कि पंचायत भवन का साइड डोर जो है ना, बैक डोर जिसे कहते हैं, टेबल के नीचे से काम होना, वो ये डोर है, बैक डोर, जो अंदर से घुसिए, बिना गेट के घुसिए, बिना ताला खोलते हुए घुसिए और बिना ताला खोल के बाहर चले जाइए। पंचायत सरकार भवन की जीता जागता उदाहरण है, और जब हम आएंगे जानकारी विशेष लेंगे तो पता चलेगा कि आप इसके अगर बगल में मनरेगा के तहत अगर यहाँ के जो मुखिया है वो साफ सुथरा करवा देते तो इस पंचायत भवन का दुर्दशा नहीं होता। आगे गार्ड बैठते हैं, गार्ड के लिए स्पेशल दिया गया हुआ जगह है, लेकिन गार्ड उसमें नदारद है। पंचायत सरकार भवन में लोगों का कहना है कि आरटीपीएस काउंटर पे एक दिन आई थी मैडम, उसके बाद यहाँ मैडम नहीं आई है, तो एक दिन की समस्याओं से क्या मैडम पंचायतों का लोगों का हल हो जाएगा? नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन जो बनाते हैं ना, ये स्वच्छ के नाम पे धब्बा है। गंदगी मिशन का यह पहला जीता जागता नमूना अर्रा पंचायत सरकार भवन की जीता जागता है। विशेष जानकारी फिर देंगे आपको अगले एपिसोड में। हमारा पंचायत मंथन एपिसोड देखना नहीं भूलेंगे। मैं मिट्ठू ठाकुर, हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन अविनाश कुमार, सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम आए हैं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत राज अर्रा, ग्राम अर्रा हाजीपुर बैताली, पिन कोड इसका जो है 84411। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी समाज पढ़ेगा, ये तो बात सही लिखा गया है, लेकिन जब पंचायत भवन में आप आए निरीक्षण के लिए तो पता चला कि इसको शब्द में लिखा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी समाज बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन समाज कैसे बढ़ेगा? इस पंचायत भवन में सरपंच कार्यालय है लेकिन लगा हुआ है ताला। ये पंचायत भवन कैसे बढ़ेगा? आप सभाकक्ष को देख सकते हैं, लगा हुआ है ताला। किससे पूछा जाएगा? पंचायत के लोग कहां जाएंगे? विकास के नाम पे धब्बा मारने का काम किया जा रहा है, विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। यहां होना चाहिए था आरटीपीएस काउंटर,
जिससे लोगों की समस्या हल किया जाता। यहाँ पे बैठना चाहिए था कृषि सलाहकार जो किसानों की संरक्षण के हर काम करते, यहाँ बैठना चाहिए था कर्मचारी जो जमीन का रसीद से लेकर हर काम होता। लेकिन किससे पूछिएगा, जब यहाँ आइएगा तो पता चलेगा कि मुखिया कार्यालय, लेकिन मुखिया कार्यालय के नाम पे तला फूल लगाई गई है, सजावट पूरी अच्छी से की गई है, लेकिन ये सजावट किस काम का, जब जनता का ही सजावट समस्या सुना ही नहीं जाए तो फिर एक कक्ष किस चीज का। आप देख सकते हैं ना, मुकेश कुमार जी जो है मुखिया जी, इनका नंबर दिया गया है। दीपक कुमार राय उप मुखिया जी, इनका नंबर दिया गया है। अजय कुमार सिंह पंचायत समिति, इनका नंबर दिया गया। आप इस नंबर के माध्यम से बात कर सकते हैं, जब वोट लेना होगा ना तो आपके दरवाजा पे आएंगे, चोट करेंगे कि मुझे वोट दीजिए, और जब वोट ले लेंगे ना उसके बाद आपको इस नंबर के सहारे जीना होगा। आप आइए, आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से कि जो है बोर्ड लगाई गई है पंचायत भवन का, जो स्टेटस है आप देख सकते हैं कि जर्जर स्थिति है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं लोगों का विकास। नया बिहार न्यूज चाहता है लोगों की समस्या हल करने की बात। एक कैंपस भी बहुत बड़ा है, आप हमारे कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे, कैंपस भी बहुत बड़ा है, समस्या सुनवाई हर चीज हो जाती है, लेकिन किससे पूछेगा। यहाँ के मुखिया साहब नहीं है, सरपंच साहब नहीं है, जो भी अधिकारी बैठा था, आरटीपीएस काउंटर नहीं है। आरटीपीएस काउंटर यानी ऐसा काउंटर होता है जो गरीब गुरबा का आवास प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन का काम करवाना हो, कहने का मतलब है शौचालय का कार्य करवाना हो, कहने का मतलब है कि आपका जो पेंशन विकलांग पेंशन आयोजन होता है उसका जन्म प्रमाण पत्र उसका बनाना होता है, सब आरटीपीएस काउंटर में होते हैं। लेकिन आरटीपीएस काउंटर के भी यहाँ नदारत है, यहाँ के मुखिया जी हो या सरपंच साहब हो, यहाँ ताला लॉक लगा हुआ है। हम लोगों से जानकारी लेंगे कि ऐसा जो हो रहा है इसके ग्राम पंचायत में खोए हुए, यहाँ मुखिया जी और सरपंच साहब और आरटीपीएस काउंटर पर लोग आते हैं। मुखिया सरपंच साहब तो डेली आते हैं। अच्छा भाई, अभी आई नहीं है, आज नहीं है, और लोग आते हैं। मुखिया जी भी आए जाते हैं कट फिर, और कोई नहीं आते, और हाजीपुर का कोई आदमी जो कर्मचारी होता है वो नहीं आते। इसका आती है, कर बना है, कहाँ बना है, बगल में। इनका कहना है कि बगल में हो सकता है आरटीपीएस काउंटर बना, हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी लोग से जानकारी है, बगल में है, ठीक। आप बोलिए ना, डायरेक्ट बोलिए कि कहाँ पर है। मठ पर ना था, अच्छा आपसे पूछना। हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है। हमारा नाम प्यार से जयमंगल जी कहते हैं, अहय राय जी। अच्छा जी, इंदिरा आवास मिला है आपको। हाँ मिला है। शौचालय मिला है जी। बकरी सेट। बकरी सेट नहीं मिला है, अब दिलवा दीजिए आप। गाय सेट है। गाय सेट मिला है। हाँ गाय तक मिला नहीं है, वो पूर्वजों ने लिख कर दिया है भैंसी चराने का गाय बहाने। कहना है इनमें आक्रोश है, कहीं ना कहीं आक्रोशित है, और ये बोल रहे हैं, झजक कर बोल रहे हैं, और हमारे मीडिया के माध्यम से हम जानेंगे। मुखिया कहाँ गया, सरपंच कहाँ गया, और दुकानदार बोल पे लगाता है। यहाँ के लोगों से हम जानकारी लेना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं इस कैमरा के माध्यम से कि जो दुर्दशा है, बहुत बुरा हाल है। सुनते रहिए मिट्टू टाकू के साथ, हमारे साथ पहली कैमरामैन अविनाश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।